तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पे टू आर रिचार्ज ऐप के बारे में बता दूंगा। इस ऐप में आपका आईडी किस तरह से मिलेगा, इस ऐप में वर्क कैसे करना है, सारे दोस्तों इस पे टू आर में आपको किस तरह से कमीशन मिलेगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस, इस चैनल पे आपको बहुत सारे रिचार्ज पोर्टल के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, आप वहाँ पे भी आईडी लेकर भी काम कर सकते हो। बट खास करके पे टू आर में एक फीचर्स एक्स्ट्रा है, इसलिए इस पे टू आर इस ऐप को भी आपको यूज करना चाहिए। इसके अंदर आपका एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसा क्यूआर कोड मिल जाएगा, जो क्यूआर कोड से आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो, जो कि अदर्स पोर्टल में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगा। तो इसलिए पे टू आर्न को इस आईडी को ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको दिखा दूंगा इसमें वर्क कैसे करना है। आप चाहो तो मेरे तरफ से पे टू आर्न का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंड रिटेलर आईडी ले सकते हो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेंगे तो आपका अंदर अनलिमिटेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रिटेलर क्रिएट कर सकते हो। आपका नीचे जितना ज़्यादा रिटेलर क्रिएट करोगी, वो रिटेलर जितना ज़्यादा अर्निंग करेगा, उसका कमीशन आपको लाइफ टाइम तक मिलते जाएगा। अगर आप चाहते हो आप खुद ही इसका रिचार्ज का सर्विस देंगे कस्टमर को, तो आप रिटेलर आईडी भी ले सकते हो। एंड आपका दुकान भी नहीं है तो आप घर बैठे बैठे भी रिचार्ज का बिजनेस कर सकते हो, जहाँ पे अच्छा खासा कमीशन भी आप कमा सकते हो। सो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखो। वीडियो देने के बाद कुछ भी क्वारीज आए तो जरूर कमेंट कर सकते हो। एंड इस आईडी लेने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, जब पे टू आर्न का आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा, तब प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको लॉगिन करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है। जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका एक इंटरफेस मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल इंटरफेस, बहुत ही कलरफुल इंटरफेस है। सबसे पहले यहाँ पे आपका वॉलेट शो होगा और यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर शो होगा, दो दो हेल्पलाइन नंबर शो होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस हेल्पलाइन में आप कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे बहुत ही सिंपल कुछ बहुत ही कॉम कुछ ऑप्शन है जो कि आपको यूज़ करने में बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले शुरू में आपको जो बता दिया था पे टू आर्न का जो एडवांस फीचर्स है, जो कि मार्केट में बहुत सा रिचार्ज फॉल्ट है जिसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो कि है एक्सेप्ट पेमेंट क्यूआर कोड। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्यूआर कोड यहाँ पे दिख जाएगा, सिंपली इस क्यूआर कोड में क्लिक करो तो यहाँ पे क्यूआर कोड शो होगा, यहाँ पे आपका नाम भी शो होगा। इस क्यूआर कोड को आप चाहो तो प्रिंट आउट करके आपका शॉप में लगा सकते हो। ये क्यूआर कोड आपका पेटीएम, फोनपे, गूगल पे जैसा काम करेगा, आपका शॉप में लगा देंगे तो आपका कस्टमर जब पेमेंट करेगा तो यहाँ पे स्कैन कर पेमेंट करेगा तो आपका ये पैसा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये रिसीव होके आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेकेंड एक ऑप्शन है ऐड मनी, सिंपली आप चाहते हो यहाँ पे ऐड मनी में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे सबसे कम आप 10 रुपीज़ भी ऐड कर सकते हो, तो जो भी अमाउंट आप ऐड करोगे उस अमाउंट को एंटर करना है, ऐड मनी करना है, तो आपका फ़ोन में जितना भी UPI ऐप इंस्टॉल्ड है वो शो होगा। आप कोई भी ऐप को चूज करके आप पेमेंट कर सकते हो एंड तुरंत ही वो आपका वॉलेट में वो पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपका वॉलेट में पैसा आ जाएगा उसके बाद ही उस पैसा को आप यूज़ कर सकते हो सर्विस लेने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मिडिल में एक ऑप्शन मिल जाएगा रिचार्ज, सिंपली रिचार्ज में आपको क्लिक करना है। रिचार्ज में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा BBPS सर्विस, तो BBPS सर्विस में क्लिक करना है। इसके अंदर बहुत सा पॉपुलर सर्विस है, चाहे लोन पेमेंट कर सकते हो, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो, केबल टीवी रिचार्ज कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सा सर्विस है, बट ज़्यादा 3 पॉपुलर सर्विस यही है। अब तो बैक कर सकते हो। देन यहाँ पे एक और एक सर्विस है मोबाइल रिचार्ज, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है। इसके अंदर आपको एयरटेल, BSNL, जियो एंड VIV ये 4 ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल है। मान के चलो आपको एयरटेल का रिचार्ज करना है, सिंपली एयरटेल में क्लिक करना है। एयरटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एयरटेल का नंबर देना है, कितना अमाउंट है उस अमाउंट भी एंटर करना है एंड रिचार्ज करना है। मान के चलो उसी कस्टमर का आप जो लापू ऑफर मिलता है, जो कि शॉप में जाने के बाद शॉप वालों ने जो ऑफर शो करता है, या फिर भी वो ऑफर है जो है RR ऑफर,
तो कस्टमर का मोबाइल नंबर पे इंटर करके है और ऑफर में क्लिक करो तो कस्टमर का एग्जैक्टली जो स्पेशल ऑफर है वो स्पेशल ऑफर शो होगा, उस स्पेशल ऑफर टैप करके भी आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से अगर जियो का नंबर है तो जियो में क्लिक करके नंबर इंटर करना है, अगर वी का नंबर है तो वी आई में क्लिक करना है, बी एस एन तो बी एस एन में क्लिक करना है। तो आए बैक आने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा पोस्ट पेड बिल पे, तो पोस्ट पेड बिल पे में क्लिक करो तो यहाँ पे एयरटेल पोस्ट पेड, बी एस एन एल पोस्ट पेड, जियो पोस्ट पेड, टाटा सर्विस, इस तरह से पोस्ट पेड है, वी आई पी पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड बिल भी कर पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा डी टू एस रिचार्ज, ये भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि अभी रिलायंस टीवी एंड बिग टीवी ये ऑपरेटर एक्स्ट्रा है, बेसिकली मार्केट में जितने भी रिचार्ज पोर्टल है जहाँ पे एयरटेल टीवी, डिश टीवी, सन डायरेक्ट, टाटा प्ले एंड वीडियो ई शो होता है, इसके अंदर रिलायंस टीवी भी अवेलेबल है। तो मान के चलो आपको सन डायरेक्ट में रिचार्ज करना है या फिर कोई भी रिचार्ज करना है ऑपरेटर में, मानकर टाटा प्ले में रिचार्ज करना है तो टाटा प्ले में क्लिक करना है, देन उसका जो वी सी नंबर है या फिर इंटर करना है, कितना अमाउंट रिचार्ज करना है वो अमाउंट भी यहाँ पे इंटर करना है एंड रिचार्ज में क्लिक करना है। मान के चलो जब कस्टमर को रिचार्ज किया था, कस्टमर का सेट टॉप बॉक्स ऑन नहीं था, तो इन केस में ज़्यादा केस में क्या होता है, कस्टमर का छवि पिक्चर नहीं आता है, डिस्प्ले नहीं होता है, तो उस टाइम में क्या करना है, आपको कस्टमर को बताना है सेट टॉप को ऑन करना है। जब सेट टॉप ऑन कर लेंगे कस्टमर तो आपको दोबारा वी सी नंबर इंटर करके डी टू एच हैवी रिफ्रेश में क्लिक कर दो, रिफ्रेश हो जाएगा एंड तुरंत ही पिक्चर आ जाएगा। कस्टमर का वी सी नंबर इंटर करने के बाद अगर आप कस्टमर इन्फो में क्लिक करो तो आपको डिटेल शो होगा, कस्टमर का नेम क्या है, कितना का प्लान चल रहा है, कितना अमाउंट अभी भी वहाँ पे है, कब एक्सपायर होगा, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो होगा, ये भी फीचर्स है। तो इस प्रकार में आपको मोबाइल रिचार्ज एंड डी टू एच रिचार्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा भी यहाँ पे ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, सो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर है, यहाँ पे भी आप चूज करके आप बिल पेमेंट कर सकते हो, इसलिए कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होगा एंड कंज्यूमर नंबर देना होगा एंड फेस बिल में करोगे तो कस्टमर का डिटेल्स मिल जाएगा एंड पेमेंट कर सकते हो। उसके अंदर फिर बैक करना है, इसके अंदर भी प्रीमियम पेमेंट्स, ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट, लैंडलाइन बिल पेमेंट, ठीक है, ये भी ऑप्शन है, और एक ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफ़र। तो मनी ट्रांसफ़र में क्लिक करो तो यहाँ पे आप अगर आप इसको मनी ट्रांसफ़र के लिए काम करोगी तो आपको यहाँ पे केवाईसी करना है, इसलिए आप पेन नंबर, आधार नंबर देकर सबमिट करना हो, देन केवाईसी करना है। बट गाइस आपको मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने एपीएस या फिर मनी विड्रॉल या मनी ट्रांसफ़र का काम करोगी तो आपको पे टू अर्न का कोई ज़रूरत नहीं है। पे टू अर्न इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिकमेंडेड है अगर आप रिचार्ज या बिल पेमेंट करो तो, अगर आपको एपीएस चलाना है तो इसलिए ईजी पे बहुत ही अच्छा आईडी है, रैली पे वो भी बहुत ही अच्छा आईडी है, अगर उसका डिटेल आईडी फ्री में लेना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको फ्री में आईडी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप एपीएस का काम बहुत ही आराम से करा सकते हो। सो गाइस इसलिए आपको बैक आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन मिलकर थ्री लाइन में क्लिक करना है जहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा, चेंज पासवर्ड मिल जाएगा, डी टू एस का टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट अस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट अस में क्लिक कर तो कस्टमर का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे भी शो होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कंपनी से बात भी कर सकते हो अगर आपको कोई इशू आए तो। सो गाइस ए है पे टू अर्न का इंटरफेस। गाइस अगर आपको इस ऐप का आईडी चाहिए आप मेरे से आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हो, रिटेलर आईडी भी ले सकते हो। सो गाइस अगर आप साइबर कैफे चलाते हो, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा। सो गाइस आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारा हेल्प मिला था, अगर कुछ भी क्वारीज आए कमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।